हेलो फ्रेंड्स, रोजगार झारखंड पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले सर्च करना होगा रोजगार। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार डॉट झारखंड डॉट गोव डॉट इन को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहे होंगे, इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू जॉब सीकर, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सबसे पहले। तो यहाँ पे न्यू जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसमें ओटीपी आएगा और फिर यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन है। उसके बाद तो चलिए यहाँ पे नंबर अपना डालते हैं। तो जैसे ही अपना नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेंड जैसे ओटीपी कीजिएगा तो आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप सारा चीज़ मतलब नंबर वेरीफाई हो गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, एड्रेस डिटेल पूछी जाएगी और क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप इन सभी को सारे चीज़ को यहाँ पे अपने फ़ोटो डाल सकते हैं। सब जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, इन सब इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जाइएगा। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा दूसरा ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस डिटेल फिल करने का। जब उसमें भी नेक्स्ट करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के लिए आएगा। इन सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको फाइनली सबमिट का बटन आएगा। तो सबमिट का बटन पे टच करके आप इसे फाइनली सबमिट करके जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पासवर्ड भी खुद का क्रिएट करके और जब फाइनली सबमिट कीजिएगा वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो इसको फॉर्म को भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका समाधान जरूर करूँगा। फाइनली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लॉगिन करके अगर कोई भी चीज़ डिटेल जो आप गलत सबमिट कर दिए हो तो उसे एडिट भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कोई अगर नेक्स्ट जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया है तो उसका आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए फिर से ये थ्री लाइन पर टच करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं थ्री लाइन पे टच करना होगा। थ्री लाइन पे टच करने के बाद यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी या यूज़र नेम मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जैसे फाइनल सबमिट कीजिएगा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पे फिल करना है और अपना पासवर्ड जो आप खुद क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में कैप्चा दिया हुआ है, तो कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे फाइनली साइन इन का बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। आप जितने भी आप अपना डिटेल फिल किए थे वहाँ पे आपको शो करेगा, आप जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।